उनका अगला ठिकाना है मुंबई। इस स्लिप के मुताबिक उन्होंने कलकत्ता टू मुंबई ट्रेन टिकट निकाला है। हमें जल्द से जल्द मुंबई पहुंचकर उन्हें दबोचना होगा। मैं बस अभी मुंबई पहुंचा हूं। या साहब, साहब सुनिए जनाब, इन लोगों को पैसे मत दीजिए। आपसे पैसे लेने के बाद ये लोग नशा करते हैं और आपके पैसों से रात भर अय्याशी करते हैं और साथ ही साथ जुआ भी खेलते हैं। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, पर आ जाते हैं सिग्नल पर भीख मांगने के लिए। जितनी आपकी कमाई नहीं उससे ज्यादा तो इनका खर्चा है, इसलिए भीख मत दो। अच्छा, तो तू इन्हें अपने पास काम पे क्यों नहीं रखता? मैं क्यों रखूं? इन सबका मैंने कोई ठेका लिया है क्या? ये सब भरोसे के लायक ही नहीं है। इसकी मजबूरी हो सकती है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम्हारी मर्जी। ये ले। तुझे तो तेज बुखार है, तुझे इस वक्त आराम करना चाहिए। अगर मैं आराम करूंगा तो दामू सेठ मुझे जान से मार डालेगा। दामू कौन? मेरा मालिक। बुखार है, डॉक्टर के पास जाना है। एक बार मेरे दोस्त ने मना किया तो उसने उसकी टांग काट दी। रहम कीजिए, कुछ दे दीजिए, रहम कीजिए। ये वही मेरा दोस्त है भैया, ये डांसर बनना चाहता था पर सेठ ने इसकी टांग काट दी। दामू सेठ के आदमी हर सिग्नल, गली के नुक्कड़, कोने कोने में फैले हैं। शहर में जितने भी बच्चों की चोरियां होती है वो सब दामू सेठ ही करवाता है। एक बार जो बच्चा उसके चंगुल में फंस जाता है फिर वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। तुम लोग पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते? दो बच्चे पुलिस के पास गए थे पर उसने उन दोनों के जान से मार डाला। नहीं चाहते हुए भी हम सबको उसके डर की वजह से भीख मांगना पड़ता है। ये दामू कहाँ मिलेगा? क्यों बे हराम खोरो, भीख मांगना छोड़ के अय्याशी हो रही है? दिन भर खाना ठूस के खाते हो और भीख एक बार मांगने जाते हो। पता नहीं लोग कॉइन्स क्यों देते हैं, नोट क्यों नहीं देते, गिनने में हमेशा तकलीफ होती है। सवेरे सवेरे चिल्लर का ढेर देखकर दिल बाग बाग हो गया। शर्म करो बॉस, चवन्नियों के नीचे दबके एक दिन मर जाओगे। छोटे, हम एक दिन में जितना कमाते हैं उतना कोई साहूकार भी नहीं कमाता होगा। अरे बेवकूफ, ये जो चिल्लर के ढेर है ना, इनके आगे नोट भी पानी कम है। तेरी खोपड़ी में ये बात फिट नहीं होगी। जरा एक बात बता, हमारे सारे भीख मंगे इन चिल्लरों से दिन भर में कितनी कमाई करते हैं? अरे मेरे मुन्ना, ये रकम बहुत बड़ी है, बोरियों में नहीं समाधि कैलकुलेटर में कैसे फिट होगी? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ये चिल्लर वही बूंदे हैं और तू सागर में खड़ा है। आ गया मेरा लाडला, मेरा शहजादा। हाय लागू बापू, लग रहे ना अपुन एकदम झक्का। एक नंबर, ये चिल्लरों से जो फिल्म बनेगी उसका तू हीरो होगा। सिर्फ भिखारी ही अगर थिएटर में घुस गए तो पिक्चर सुपरहिट। हीरो नहीं, अपुन को तो विलन बनना है। विलन बन के अपुन चक्कू घोपेगा। उससे क्या होगा, अंदर से अतड़िया बाहर आएंगी ना। ए, कौन है तू? अरे ये कौन है? ए भाई, अबे रुक जा। अरे जान ले लेगा क्या? क्या कर रहा है वो? भाग जाएगा। वही तो मैं चाहता हूँ। मेरे घर में घुसकर मेरे ही बेटे को मारता है, कौन है तू? मैं वो हूँ जिसे न्योते की जरूरत नहीं। शेर, तू अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकता तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को भीख मांगते कैसे देख सकते हैं? छोड़ दे मेरे बेटे को वरना तेरी खाल खींच लूंगा। तूने क्या इन सब का ठेका ले रखा है जो इनके लिए दामू सेठ से पंगा ले रहा है? छोटे, जरा इसे बता क्या चीज हूँ मैं। पूरे भिखारियों का राजा है ये, अंधा लूला लंगड़ा काना, सबका मालिक दामू शाना। अबे तेरे जैसे को खड़े खड़े खरीद सकता है, फुटले नहीं किसी चौराहे पर भीख मांगता दिखेगा। हाथ पैर तोड़ दो इसके। Ah!
से मार डालो इसको। इंसानों से जानवरों जैसा सुलूक करता है। जिन्हें अपने माँ की गोद नसीब नहीं, उन बच्चों के हाथों में कटोरे थमा दिया तूने। बस करो यार, और कितनी हड्डियां तोड़ोगे? अब तो भिखारी भी इन्हें भीख नहीं देंगे। हमें भी तो हाथ साफ करने का मौका दो। मैं सच कह रहा हूँ भाई, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सलाम ठोकने की हालत में नहीं है, एक इल्तिजा है। ओए बस करना, इसके हाथ में कटोरा पकड़ा कर इसे पैदल ले जाइए, कम से कम दो चार चवन्नियां ही मिल जाएंगी। आपने इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, कुछ कहना चाहेंगे? ये काम मीडिया का था, मुझे करना पड़ा। मीडिया का? हाँ, मीडिया का। आपको बस मिनिस्टरों की गाड़ियों के पीछे भागना आता है, पर देश में लाखों बच्चे भीख मांगते हैं, उनका शोषण किया जाता है, वो आपको नजर नहीं आता। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप एसएमएस कॉन्टेस्ट चलाते हो, किसी हीरोइन को लड़का होगा या लड़की, कोई फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, उसका बिजनेस कितना होगा ये देखते हो, पर मासूम बच्चों की क्या हालत है उसे नजरअंदाज कर देते हो। मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। सच तो ये है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, समाज में मुझसे भी कई नेक लोग हैं जो बेसहारों को सहारा देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सबको बताइए, इस देश को गुमराह करने के बजाय सही लोगों के बारे में लिखिए प्लीज। आप बहुत अच्छे भैया। आइए आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने शहर के जाने माने बेगर माफिया को बेनकाब करके कई लोगों की जान बचाई। शहर के बीचों बीच ये गिरोह कई सालों से काम कर रहा था, पर आज तक इसकी भनक ना सरकार को लगी और ना ही पुलिस को। उस बहादुर इंसान का नाम है चेरी, जिसने अकेले ही पूरी गैंग का मुकाबला किया। वाकई बंदा जिगर वाला है, यही बनेगा मेरा हमसफर। हाँ? अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? शिशर वारी है। आप वाकई बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। शुक्रिया। आप यहाँ अचानक कैसे? अब आपसे क्या छुपाऊं, चेरी की बात पे बहुत गौर किया, उसने अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी, उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। उससे कहो IIT बोला कैंसिल। अरे मर गए, IIT नहीं बोला तो हम मर जाएंगे। बोलेंगे ना, क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा ये मेरे बोलने पे डिपेंड नहीं है, ये तो सुनने वाले पे डिपेंड है कि वो क्या सुनना चाहता है। मुझे थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, आप उसे मेरे पास ले आइए ना प्लीज। अच्छा, ईगो की प्रॉब्लम है, ठीक करता हूँ। तुम में ईगो है, उसमें भी ईगो है, अब दोनों के ईगो को बैलेंस कैसे करूँ ये सोचना पड़ेगा। क्या करूँ मुझे पता नहीं चल रहा। चंपक फरमाइए। सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। सर फोड़ेगी मेरा, कोशिश करता हूँ। चेरी चेरी, तुझे मामा से प्यार है ना? मामा से प्यार है इसीलिए तो उस लड़की को छोड़ दिया। छोड़ मत, उसे तू अपना ले मेरे भाई। क्या मामा, जब चाहे कनेक्ट किया जब चाहे डिस्कनेक्ट किया, ये कोई फोन लाइन नहीं है, मेरा दिल है। घिसी पिटी लाइने मत बोल। मुद्दा ये है कि वो चाहती है कि तू उसे आई लव यू बोल दे बेटा, बोल दे, इससे मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा तुझे भी। टीवी पे मेरी न्यूज नहीं आती तो वो मुझसे प्यार नहीं करती क्या? ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए, सच्चे प्यार में कोई शर्त नहीं होती। ये तो चिराग तले अंधेरा है, तू नहीं माना तो मेरी तरह खाली बीन बजाता रहेगा। मामा बजा बेटा बजा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा भी ईगो है, उसे मेरे पास लाइए। क्या ईगो, तुझे मन की बातें सुनाई देती है क्या? नहीं तो क्यों? यही बात वो भी कह रही थी, अपना अपना ईगो हटाओ और जाके प्यार का पोगो खेलो। मामू मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मेरे पास लाइए। तू टिम्बकटू का राजा है क्या? अरे उससे भी बड़ा हूँ। राजा साहब वो मार डालेगी। उसका भाई मारेगा वो नहीं। ये मर गया। भाई साहब आप आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम लोग पसीना बहाओ, खून बहाओ, मैं अकेले में आंसू भी नहीं बहा सकता। ठीक है लगे रहिए। अबे गजल थोड़ी गा रहा हूँ। फूटी किस्मत मेरी,
बचा है मेरा चेरी, मर गए रे। बहुत क्यूट हो। थैंक्स यार। मैं सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं होता। यकीन कर लो। चलो कुएं और खाई के चक्कर से तो बच गया मैं। अगर ईगो पकड़े रहते तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। मालिक, गज्जू भाई की बहना चेरी के साथ फुर हो रही है। अब इसके पर कतरेंगे गज्जू भाई। जब बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उस पर मीठे मीठे आम थोड़ी ना आएंगे, कांटे ही चुभेंगे ना। मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि इस सांप को दूध मत पिलाओ। दस लिया ना, लोगों को पता चलेगा तो अब इसके नाम पे थूकेंगे लोग। क्या कह रहे थे तुम? किसी का चेहरा देख के उसके अंदर की सच्चाई को भांप लेते हो। अगर ऐसा होता ना तो अंजलि गुलछरे नहीं उड़ाती। छी छी छी, तुम्हें लाख बार समझा लेकिन तुम नहीं समझे। मैंने आगाह भी किया था तो कहा नहीं तुम नहीं समझते, ऐसा बोल के मेरा मुंह बंद करवा दिया था तुमने। तो अब भुगतो, अंजलि आके कहेगी भैया मैंने दूल्हा चुन लिया है, देख लेना। जिंदा नहीं बचेगा। जो मेरे साथ तोहरी चाल खेलता है मैं उसे बख्शता नहीं। अंजू मुझे अपने दिल की बात बताया उससे पहले मैं ठोक डालूंगा उसे। ये हुई ना बात, गाड़ी निकाल।